नमस्कार, दिस इज शेषाद्री, लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पॉश ट्रेनर। पॉश एक्ट के बारे में जो कुछ जानना है इसके बारे में ये वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो सीरियस है। आपको एक डाउट आना है, क्या डाउट हम आएगा? हमारे कंपनी में कोई भी महिला नहीं, कोई महिला काम नहीं करती। ये परमानेंट रोल में भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर में भी महिलाएं नहीं हैं। इसलिए हमारे कंपनी को पॉश एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा समझने की संभावना है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि पॉश एक्ट में एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग होता है। क्या अलग होता है? ये लेबर एक्ट में देखें तो परमानेंट वर्कर, परमानेंट स्टाफ ऐसा होता है एम्प्लॉय की डेफिनेशन। लेकिन पॉश एक्ट में जो कुछ हमारे प्रीमिसेस को अंदर आते हैं, जो कुछ ये विजिटर होगा, ये कस्टमर होगा, वो भी एम्प्लॉय के बारे में हम तो समझना है। इसलिए आपके कंपनी में कोई महिला ये नहीं है तो भी पॉश एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसलिए पॉश एक्ट में जो कुछ शर्त है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये हम तो जानना है। इसके बारे में और देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।